वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम रेड सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेड सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, कलर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्रॉप्स पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें। ये इमेज है रेड सॉइल का, ठीक है। रेड सॉइल का कलर रेड आपको दिख रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल में क्या है, रेड सॉइल का टेक्सचर जो है वैरी करता है। कैसे वैरी करेगा, आपको कहीं कहीं सैंडी रेड सॉइल भी दिख सकता है, कहीं कहीं क्लेई रेड सॉइल भी दिख सकता है। मेजोरिटी जो होता है वो लोमी रेड सॉइल होता है। देखिए, जब आप अपलैंड में जाएंगे, अपलैंड में रेड सॉइल जो है वो पुअर ग्रैवली एंड पोरस दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोअर एरियाज में जाएंगे तो रेड सॉइल आर रिच, डीप, डार्क एंड फर्टाइल। केमिकल कंपोजिशन अब देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन में क्या देखेंगे, कैसा है रेड सॉइल, एसिडिक है या नहीं है, बेसिक है या नहीं है, ठीक है। मींस यहां पे क्या है, रेड सॉइल जो होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, ड्यू टू द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक, जिस रॉक से मिलके बनता है उस पैरेंट रॉक के नेचर के कारण ये जो रेड सॉइल है एसिडिक होता है। इसमें अल्कली कंटेंट फेयर मात्रा में उपलब्ध होती है। देखिए, तो इसमें क्या चीज की कमी होती है, अगर आप रेड सॉइल में लाइम ढूंढने जाएंगे, मैग्नीशिया ढूंढने जाएंगे, फॉस्फेट ढूंढने जाएंगे, नाइट्रोजन ढूंढने जाएंगे, ह्यूमस ढूंढने जाएंगे, तो इसकी मात्रा में आपको कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें यदि आप पोटास एंड पोटेशियम को ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पोटास एंड पोटेशियम देखने को मिल सकता है। रेड सॉइल रेड कलर का दिखता है ना, जो रेड कलर है क्यों है रेड कलर, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। जब लाइमस्टोन ग्रेनाइट, ग्नेसिस, क्वार्जाइज आर इरोडेड, जब हम लाइमस्टोन को, ग्रेनाइट को, ग्नेसिस को, क्वार्जाइट को इरोड करते हैं, ये जो क्ले है ये इंक्लोज करता है विद इन रॉक्स एंड रिमेन इंटैक्ट विथ अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स। देखिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज मींस क्या होता है, मींस ऑक्सीजन जो है वो इनफ मात्रा में उपलब्ध है, काफी ऑक्सीजन उपलब्ध है। मींस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में क्या हो रहा है, रस्ट मतलब जंग लगना जो बोलते हैं ना, जंग लगना, रस्ट और आयरन ऑक्साइड ठीक है, वो डेवलप हो जाता है कहां पे, क्ले में, ठीक है। जब व्हेन सॉइल इज प्रेजेंट अबव द वाटर टेबल, जब वाटर टेबल से ऊपर सॉइल यदि प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, मींस ये एक सॉइल को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सॉइल का रेड कलर कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन इनफ मात्रा में उपलब्ध हो तो जंग लगना शुरू होता है, रस्ट, रस्ट क्या होता है, एक्चुअली आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, कहां पे, क्ले में, ठीक है। जब व्हेन सॉइल इज प्रेजेंट अबव द वाटर टेबल, जब पानी के लेवल से ऊपर हो सॉइल, तब इसमें जंग लगता है, ठीक है। और सॉइल को ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, रेड कलर प्रोवाइड करता है। देखिए इसका कलर ज्यादा रेड होता है, क्यों ज्यादा रंगीला दिखता है आपको ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाइड डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, वाइड डिफ्यूजन रादर देन हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड कंटेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सॉइल्स, जहां पे बारिश की बूंदे कम होती है, ठीक है, जहां पे बारिश क्या होती है, लेस हो, वहां पे क्या होता है,
वहां पे जो मिट्टी दिखेगी आपको वो लाल मिट्टी देखने को मिल सकती है। मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, रेड सॉइल मोस्टली अ रीजन ऑफ लो रेनफॉल। एक आपको पढ़े होंगे ज्योग्राफी में रेन शैडो रीजन क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है, इधर से हवा आई पैरेलल विंड पहाड़ से टकराई और ये क्लॉड फॉर्मेशन किया इस क्लॉड से, फिर ये बारिश की बूंदे गिरने लग गई। इस पहाड़ के उल्टे डायरेक्शन में अपोजिट साइड यहाँ पे ड्राई एयर रहता है एडवांस में, रेन शैडो यहाँ पे बारिश की बूंदे थोड़ी सी कम गिरती है, ठीक है, कम बारिश होती है रेन शैडो रीजन में, ठीक है। मींस यहाँ पे आप रेड सॉइल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश क्या है, कम हो रही है, लो रेनफॉल एरिया है। यह उपाय करता है, पूरे इंडिया में जाइए तो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया का रेड सॉइल ऑक्यूपाई करता है। देखिए ये सॉइल स्प्रेड है ऑलमोस्ट तमिलनाडु के मैक्सिमम रीजन में आपको ये रेड सॉइल देखने को मिल सकता है। इंडिया में कहां कहां, अदर रीजन में कहां कहां रेड सॉइल उपलब्ध है, देखिए पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरावली एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखते हैं, रेड सॉइल ये पता आपको मोस्टली लोमी होता है, मींस हेंस ये इट कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक द ब्लैक सॉइल। जैसे काली मिट्टी ज्यादा पानी को सोख करती वैसे नहीं सोख सकता, रेड सॉइल जो है यदि उसको सही से फर्टिलाइजेशन उसमें यूज किया जाए, इरिगेशन टेक्निक सही से किया जाए इसमें, तो ये बहुत सारे फसल के लिए उपजाऊ हो सकता है। जैसे हो गया कॉटन, वीट, गेहूं, राइस, चावल, पल्सेस, दाल, मिलेट्स एंड पोटैटोस, आलू, फ्रूट्स, फल, ऑयल सीड्स, ठीक है, टोबैको, तंबाकू, इन सभी के लिए ये आपको लाभदायक होता है, उपजा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।